डॉक्टर, अगर ब्लड लॉस रुक नहीं रहा है तो आप ब्लीडिंग रोकिए ना। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप उन्हें ब्लड चढ़ा क्यों नहीं रहे। देखिए, आप सीन क्रिएट मत कीजिए, यहाँ पे बाकी पेशेंट्स भी है और मुझे अपना काम करने दीजिए। एक सेकंड, मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ। वहाँ मेरी माँ अपनी मौत से लड़ रही है और आप कह रहे कि मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ। आप उनकी ब्लीडिंग नहीं रोक पा रहे, उन्हें होश में नहीं लेके आ पा रहे और आप कह रहे कि सीन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी करने आती भी है कि नहीं? पुत्र आवाज शांत हो जा। तुम नहीं, नहीं। अगर मेरी माँ को कुछ भी हो गया ना तो पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा मैं। सिक्योरिटी, शांत हो जाइए। एक बच्चे की माँ मौत से लड़ रही है, ऐसे में उसकी हालत क्या होगी आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता ना। प्लीज हमारी सिचुएशन समझ लीजिए। मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। आपको मुझे फांसी पे लटकाना है, आप लटका दीजिए। परी और नीति की क्या टूटेगी दोस्ती? क्या राजीव और बाकी घर वालों के सामने आएगी नीति की सच्चाई? शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से नीति का खुलासा होते होते नहीं हो पा रहा है। यानी कि हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से जो परी है वो नीति से कहती है, क्या तूने ही मम्मी जी को धक्का दिया था? लेकिन इस बात को नीति नकार देती है। और वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि जो नीति है वो इस बात को पूरा खारिज कर देती है। लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे मेरी माँ किसी भी हालत में ठीक चाहिए डॉक्टर। और आप लोगों ने क्या कहा कि उन्हें ब्लड लॉस हो गया, लेकिन जब मेरी माँ यहाँ आई थी उनकी हालत इतनी खराब नहीं थी। उनकी हालत आप लोगों की वजह से खराब हुई है। छोड़, मामूली सी ब्लीडिंग नहीं रोक पाए, कॉल द सर्जन राइट नाउ। ऐसे में पता लगता है डॉक्टर के द्वारा कि जो गुरविंदर है उसे ब्लड की कमी है और उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, और अगर ये ब्लड नहीं मिला तो ऐसे में जो है जान जा सकती है गुरविंदर की। नीति इस बात का फायदा उठाने वाली है और गुरविंदर को तकिए से दबाने वाली है ताकि उसका दम घुट जाए, वो मर जाए और किसी को कुछ भी सच ना बता पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परी, राजीव, बाकी सब घर वाले डर जाते हैं कि कहीं मम्मी जी को कुछ ना हो जाए, इसलिए वो ब्लड ग्रुप ढूंढने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि अचानक से परी को सायरन की आवाज आती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, और नीति भी ये सायरन सुनकर डर जाती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा कि नीति का भांडाफोड़ होगा या फिर अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा पुलिस को नीति तक पहुंचने में, और घर वालों को कहीं ना कहीं शक तो हो चुका है नीति पर, लेकिन नीति काफी स्मूथली खेल खेलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में देखते हैं क्या गुरविंदर की जान वाकई चली जाएगी और इसका जिम्मेदार कौन कहलाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आप अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।